दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड स्टोरी को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों सन 2002 में शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के नोवेल पर आधारित एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था देवदास। दोस्तों वैसे इससे पहले भी केएल साइगल और दिलीप कुमार साहब को लेकर दो बार देवदास बन चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली पहली बार साथ काम कर रहे थे। और बताया यह जाता है कि संजय लीला भंसाली ने शाहरुख खान को स्क्रिप्ट सुनाते समय यह कंफर्म कर दिया था कि यह फिल्म तभी बनेगी जब वो इस फिल्म में काम करेंगे, और स्क्रिप्ट सुनते ही शाहरुख खान साहब ने भी हामी भर दी और बड़ी दिक्कतों के बाद अपने समय की ये सबसे महंगी फिल्म बनकर तैयार हुई और खूब तारीफ और पैसे भी कमाए। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की रिलीज को आज लगभग 19 साल पूरे हो गए हैं और आज भी ये फिल्म अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों फिल्म देवदास को लेकर काफ़ी किस्से हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होंगे, तो आइए दोस्तों इस फिल्म का एक किस्सा हम इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों देवदास फिल्म का एक अनोखा किस्सा जुड़ा है संजय लीला भंसाली की पर्सनल लाइफ से। दोस्तों इसी किस्से की वजह से संजय लीला भंसाली को देवदास बनाने की प्रेरणा मिली। संजय लीला भंसाली ने अपने कई इंटरव्यूज में स्वयं बताया है कि उनके पिताजी से उनकी कभी नहीं बनी। उनके पिताजी स्वयं एक प्रोड्यूसर थे और लेकिन उस समय उनकी पिक्चर चल नहीं रही थी, नतीजन वो शराब में डूब गए और हमेशा नशे में धुत रहने लगे। उन्हें यहाँ तक भी पता नहीं रहता था कि घर कैसे चल रहा है और उनके बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। दोस्तों संजय लीला भंसाली की माँ ने साबुन बेचकर अपने बच्चों को बड़ा किया था। बाद में पिता को लीवर सिरोसिस हो गया और वो कोमा में चले गए। लेकिन दोस्तों कोमा से बाहर आने और मौत के मुंह में जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक अच्छा काम किया था कि अब संजय की माँ की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी पत्नी के प्रति वो पहली और आखिरी बार अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। दोस्तों संजय लीला भंसाली की माँ को इस लम्हे का बहुत सालों से इंतज़ार था। लेकिन दोस्तों संजय लीला भंसाली की माँ का हाथ पकड़ते ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और संजय बताते हैं कि उन्हें उन दोनों हाथों का पिछलना आज भी याद है। संजय इस तरह की किसी कहानी पर फिल्म बनाना चाह रहे थे। उन्होंने शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास पढ़नी शुरू की और उन्हें आखिरकार वो एलिमेंट मिल ही गया जो अपनी अगली फिल्म के लिए ढूंढ रहे थे। इस फिल्म के आखिर में देवदास पहाड़ों के दर पर जाकर भी अपना दम तोड़ता है और धुंधली आंखों से उसे पारो दौड़कर अपनी ओर आती नजर आती है। दोस्तों यही फिल्म का क्लाइमेक्स सीन, वो अपने माँ और बाप अपने पिताजी के अंतिम स्वरों में जो सीन उन्हें देखा, उन्होंने इसे पर्दे पर उतारा। दोस्तों इस फिल्म में संजय लीला भंसाली ने अपने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों आपको ये किस्सा कैसा लगा? क्या आपको ये किस्सा पहले से पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं।